नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चालक की कथित लापरवाही से एक तेज रफ्तार ऑटो दुर्घटना ग्रस्त हो गई, जिससे इस पर सवार आधा दर्जन महिलाएं घायल हो गई। दुर्घटना के बाद ऑटो छोड़कर चालक फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता से सभी घायल महिलाओं को सदर अस्पताल पहुँचाया, जहाँ इनका इलाज किया गया। घटना बांका सदर थाना अंतर्गत बांका पोखरिया रोड में लक्ष्मीपुर गांव के समीप की है। बताया गया कि ऑटो पर आधा दर्जन महिलाएं सवार थी, उन्हें अपने घर जाना था। सुनसान सड़क पर ऑटो अपनी तेज रफ्तार में थी, लेकिन इसी दौरान चालक किसी से मोबाइल पर भी बात कर रहा था। एक हाथ से परिचालन की वजह से ऑटो का संतुलन बिगड़ गया और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घायलों में से चार महिलाएं बेबी देवी, अंचला देवी, अंजलि देवी, सुलेखा देवी एवं दुलारी देवी सरतोरिया गांव की थी, जो बांका स्थित एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर वापस घर लौट रही थी, जबकि दो अन्य महिलाएं दुधारी गांव की थी और बांका से अपने घर लौट रही थी। इस हादसे के बाद चालक ऑटो रिक्शा को मौके पर छोड़ फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने सभी घायल महिलाओं को सदर अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उनकी चिकित्सा की गई। बौसी थाना क्षेत्र के साहू पोखर समीप छकुआ आदिवासी टोला में करीब 50 वर्षीय विधवा महिला की देर रात धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हालांकि अब तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जाता है कि महिला अपने मायके में कई सालों से रह रही थी। महिला बिटिया मुर्मू उर्फ रानी मुर्मू और पिता का भी पहले देहांत हो चुका था। पुलिस हत्या के विभिन्न पहलुओं को लेकर ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। बांका एसडीएम मनोज कुमार चौधरी ने बांका मंडल कारागार का निरीक्षण किया। करीब डेढ़ से दो घंटे तक चले निरीक्षण के दौरान कैदियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत होते हुए इस दौरान जेल कर्मियों और जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ पूरे जेल का जायजा लिया। एसडीएम मनोज कुमार चौधरी ने बताया कि किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक चीज निरीक्षण के दौरान नहीं पाया गया है। सब दुरुस्त होने की बात कही। जेल के अंदर में चार सेक्टर है, जो कि चारों सेक्टर पर एक एक टीम बनाकर बारीकी से जाँच की गई है। चारों सेक्टर में एक ही बार छापेमारी अभियान चलाई गई है। चार सेक्टर में, जिसमें एक लेडी सेक्टर की है, उसमें भी छापेमारी अभियान की गई है। मौके पर महजूद बांका एसडीएम मनोज कुमार चौधरी, सीओ सुजीत कुमार, डीएसपी दिनेश श्रीवास्तव, पंचायती राज पदाधिकारी राजीव रंजन एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बांका जिले के पंचवारा पुलिस ने थाना क्षेत्र के अमर बड़ैत गाँव से मंगलवार देर रात अवैध बालू से लदा हुआ एक ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। वहीं ट्रैक्टर का चालक पुलिस को देखते ही गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। पंचवारा थाना अध्यक्ष मुरलीधर साह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वह नियमित गश्ती पर पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में निकले हुए थे। इस दौरान थाना क्षेत्र के अमर बड़ैत गांव के समीप बालू लदे एक ट्रैक्टर का चालक पुलिस की गाड़ी को देखते ही गाड़ी से कूदकर अंधेरे में भाग निकला, जिसके बाद पुलिस बल के सहयोग से उक्त ट्रैक्टर को जब्त कर पंचवारा थाना लाया गया, जहां बुधवार को अज्ञात ट्रैक्टर चालक एवं ओनर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप फेसबुक पर हमारा न्यूज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।